गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे बन रही है मेरी कर्मा गरम चाय अदरक वाली। जी हाँ गाइस, चाय बन रही है मेरी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में उबाले हैं आलू। जी हाँ, बनाऊँगी वो सब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ अपनी चाय गर्मा गर्म। आज कॉफ़ी का मन नहीं था एक्चुअली, आज अदरक वाली चाय का मन था। तो बस मैं जा रही हूँ अपनी बालकनी में और आपके साथ शेयर करूँगी। आपको तानिया अभी तक सोई हुई है, घड़ी में बजे हुए हैं 9:30। आजकल लेट ही उठ रहे हैं हम लोग। चाय गर्मा गर्म बन रही है गाइस। और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग मुझे पता था, इसीलिए मैं इनका इंतज़ाम पहले से ही करके आई हूँ। डेली आ रहे हैं ये लोग। आओ 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 आ जाओ। माय गॉड सो स्वीट। चलो गाइस इसको तो हम खाने देते हैं और अभी देख लेते हैं किचन में चाय कंप्लीट हुई कि नहीं। जब तक चाय में अच्छे से उबाल ना आ जाए, चाय अच्छी नहीं बनती। तो अब इसमें आ चुका है फाइनली उबाल, आप देख सकते हैं चाय। फाइनली बन चुकी है मेरी चाय और मैं लेके जा रही हूँ अपनी बालकनी में। जी हाँ, बिकॉज आज बालकनी में बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। यू कैन सी गाइस, यहाँ का आप वेदर देख सकते हो, धूप खिली हुई है। हर जगह धूप ही धूप, हर जगह धूप ही धूप। और यू कैन सी मॉर्निंग में मैंने सारे वर्क कर लिए हैं, सारे कपड़े भी मैंने वॉशिंग मशीन में सब कुछ धुल दिया। कितने टाइम बाद मुझे इतनी अच्छी धूप मिली है। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं ले लेती हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय, आप भी लीजिए। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस कॉफ़ी कंप्लीट होने के बाद मैं आसन करने के लिए जा रही हूँ। जो आसन मैं कर रही हूँ गाइस, उस आसन का नाम है हलासन। जी हाँ, और रामदेव जी जैसे करते हैं आसन, ऐसे ही मैं बहुत इंजॉय के साथ ये आसन करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो आप भी देख सकते हो, आप भी इस आसन को कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। थोड़ी देर तक हम अपनी दोनों लेग को स्ट्रेट ही रखेंगे जैसे कि आप देख रहे हो, और अगेन धीरे धीरे उसको नीचे लाएंगे। सो कंटिन्यूसली गाइज ये बार बार करना चाहिए। चलो गाइज अभी ये हो गया है लंच का टाइम, तो मैं करने जा रही हूँ लंच और आप भी ज्वाइन कीजिए। मेरी थाली में आप देख सकते हो बथुआ के पराठे हैं, आलू टमाटर की सब्जी है और गाजर का हलवा। और गाइज यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की चल रही है प्रैक्टिस। जी हाँ, डांस करने से पहले चल रहा है वार्म अप माई न्यू स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते करते बच्चे इतना थक गए थे कि उनको स्वेटिंग स्वेटिंग होने लगा लाइक कशिश। गाइज मैंने आज लगाया है आसमानी कलर का न्यू नेल पेंट, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। आपके पास कोई काम तो है नहीं? तुम्हारे पास तो बहुत काम है ना, पूरे घर का काम करती हूँ मैं। दिन लेटी रहती है गाइस के, पूरे दिन लेटती हूँ तो काम कौन करने आता है। गर्मा गर्म तुम्हें पराठे मिलते हैं, दाल चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, छोले चावल मिलते हैं, कड़ी चावल मिलते हैं। अच्छा, कड़ी चावल कब से नहीं मिले? कब से नहीं मिले? कब से नहीं मिले तुम्हें? क्या कहा तुमने? सबसे बड़ी बात, ये पूरे दिन तो मेकअप लगा के बैठी रहती है। मेरी तरह सिंपल कोई हो सकता है? एक्सक्यूज मी, सिंपल तब भी नहीं बन सकते ना। मैं मेकअप लगाती ना, मैं नेल पेंट लगाती ना, मैं कुछ करती। आई एम द सिंपलेस्ट वन। और मैं कितना मेकअप लगाती हूँ? मास्क तो मेरे चेहरे पे हमेशा रहता है, मास्क के नीचे भी मेकअप छुपा रहता है। ठीक है, नो ओनली आई आईज में काजल रहता है, ओनली काजल रहता है, बोला ना ओनली काजल। पूरे टाइम मेकअप रहता है, हर टाइम नेल पेंट लगाके रहती, कभी भी सिंपल रहती है। दैट्स द ट्रुथ गाइज, इसकी बात पे आप बिल्कुल भी यकीन मत करना। क्या यकीन मत करना वैसे करते रहते हो पूरे टाइम, बिल्कुल भी यकीन मत करना। गाइज आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। कशिश आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में।